गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरे प्यारे बच्चों। आज तुम खुश तो बहुत होंगे। तो आज का जो आप लोगों का डाउट है कि मैं जल्दी क्यों, सर लेट क्यों, क्या करंट अफेयर्स होने वाला है? यस, करंट अफेयर्स होने वाला है, बट स्केड्यूल की कुछ गड़बड़ की वजह से एंड थोड़ा सा कुछ शफलिंग की वजह से, इश्यूज की वजह से आपका मैं लेक्चर लेने वाली हूँ 4:30 तक, और 4:30 के बाद करण सर कंटिन्यू करने वाले हैं 5 o'clock तक। ठीक है, तो आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो 5 बजे तक खत्म हो जाएंगे, बट वी डिड नॉट वॉन्ट टू कैंसिल द लेक्चर क्योंकि पोर्शन टाइमली खत्म करना है, इसलिए हम लोगों ने, मैंने और करण सर ने हमारा टाइम बांट लिया। ठीक है, इक्वली है ना, मतलब बिल्कुल डे मिल सिल्क नहीं बांटते हम लोग इक्वली, एक पीस इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मैंने और करण सर ने अपना टाइम इक्वली बांट लिया है। ठीक है, और चाय मैं बिल्कुल पीऊंगी, काश मैं पी पाती चाय। यस, ठीक है, तो करण सर की क्लास 4:30 बजे है, बट इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव टाइम, है ना। हम ऑलरेडी 2 मिनट वेस्ट कर चुके हैं, अब हमारे पास 28 मिनट है, तो हम लोग फटाफट से पढ़ाई चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आज हम थोड़ी बकर कम करेंगे बिकॉज आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, यस, स्टार्ट किया। आप लोग मेरे साथ है, आर यू रेडी? परफेक्ट, चलो। सो टाइप्स ऑफ लिस्निंग स्किल्स हम लोगों ने कल स्टार्ट की थी। हमने सबसे बेसिक कल पढ़ा था डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव लिस्निंग कौन सी होती है? जो हम, हमारी काबिलियत होती है, हम भी बचपन में ही सीख जाते हैं कोई भी दो साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना हमें आता है। मम्मी की आवाज अलग, पापा की आवाज अलग होती है, कोई भी हॉर्न्स की आवाज अलग होती है, जैसे कार की हॉर्न की आवाज अलग होती है और टू व्हीलर की हॉर्न की आवाज अलग होती है। तो ये कौन सी होती है? डिस्क्रिमिनेटिव लिस्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन लिस्निंग। कॉम्प्रिहेंशन लिस्निंग क्या बोलता है कि आप पूरी लिस्निंग करते हो, तो जो आप अभी कर रहे हो दैट इज कॉम्प्रिहेंशन लिस्निंग। इसके नाम क्या है? फुल लिस्निंग, कॉन्टेंट लिस्निंग एंड इंफॉर्मेटिव लिस्निंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये कौन सी लिस्निंग होती है जिसमें हम सामने वाले की वोकैबुलरी, उसका जो मतलब है, जो वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका मतलब, उसके इंटेंशन, उसका वर्बल नॉन वर्बल कॉन्टेक्स्ट सब समझ जाते हैं, तो दैट इज कॉम्प्रिहेंशन लिस्निंग। बायस लिसनिंग क्या होती है? हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी जाकर पूछा, कोई परमिशन ली, सामने वाले ने मना कर दिया, फिर भी हम हाँ सुन के आ जाते हैं। हम हमेशा मिस इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? सामने वाले की बात, स्पीकर की बात मिस इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ऑलरेडी जवाब रहता है और हम वही सुनना चाहते हैं, तो हम वही सुन के निकल जाते हैं, तो होती है बायस लिसनिंग। यू बिकम बायस्ड। बायस्ड मतलब एक तरफा होना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। यहां से हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, ऑलराइट, सो इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या होता है? इवैल्यूएटिव लिसनिंग का एक और नाम होता है क्रिटिकल लिसनिंग, जिसमें हमें जजमेंट रखने के लिए रखा जाता है, जजमेंट देने के लिए रखा जाता है। ठीक है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग में हम क्या करते हैं? हम जज करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या सामने वाला जो बोल रहा है वो अच्छा है या बुरा है, या वो सामने वाले वर्दी है या अनवर्दी है। मतलब हम उस पर्सन के कैरेक्टर को जज करते हैं, हम उसकी बात को जज करते हैं, वो क्या बोल रहा है हम उसको जज करते हैं, बैठ के भयंकर जज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज पर्टिनेंट व्हेन द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू परसुएड अस। अगर कोई पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इंटरव्यूअर होगा ना, तो इंटरव्यूअर इवैल्यूएटिव लिसनिंग करता है क्योंकि आप इंटरव्यूअर को एज ए कैंडिडेट आप उसको कन्विंस करने जाते हो। ठीक है, और वो आपको चुपचाप ऐसे बैठे बैठे देखता रहता है, सुनता रहता है, देखता रहता है, सुनता रहता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? सो द पॉइंट इज कि इंटरव्यूअर जो है वो कौन से लिसनिंग करता है? इवैल्यूएटिव। वो आपको क्रिटिकली जज करता है। क्या करता है? जज करता है कि आप लायक हो या ना लायक हो, आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आप वर्दी हो मतलब काम के हो या बेकाम हो। ये जब हम लिसनिंग करते हैं, जज करने बैठते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? अप्रिशिएटिव लिसनिंग, सॉरी इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इनके एक और नाम क्या क्या है? 3 नाम और है, क्रिटिकल, जजमेंटल, इंटरप्रेटिव लिसनिंग। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। नाउ नेक्स्ट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या बोलती है मेरी जान? अप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब होता है
जब हम किसी को किसी चीज को सुनते हैं अच्छा फील करने के लिए, जैसे कि मैं जब मेरा मूड खराब होता है ना, मैं शाहरुख खान की मूवी लगा लेती हूँ, मेरा मूड खराब होता है मैं अरिजीत सिंह के गाने लगा लेती हूँ, फिर मेरा मूड और खराब हो जाता है क्योंकि वो भयंकर ही चन्ना मेरे जोन में लेके चला जाता है, करेक्ट है ना। बट जब हम कोई अच्छा म्यूजिक, अच्छी पोएट्री, अच्छी गजल, अच्छी मूवीज, अच्छे स्टेटमेंट्स, मोटिवेशनल स्पीचेस ये सुनते हैं अपना मूड को अच्छा करने के लिए, तो उस टाइप की लिसनिंग को हम क्या बोलते हैं? अप्रिशिएटिव लिसनिंग। तो इन अप्रिशिएटिव लिसनिंग वी सीक इन्फॉर्मेशन विच वी विल अप्रिशिएट, ठीक है, जो हम अप्रिशिएट करेंगे, जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। जैसे कोई अच्छे लीडर की स्पीच सुन ली, कोई म्यूजिक सुन लिया, पोएट्री सुन ली, गाना सुन लिया, तो ये सब जो होता है वो क्या होगा? अप्रिशिएटिव लिसनिंग। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से मैं नोट्स सेंड किए ना मैंने, नहीं हुआ है क्या अभी तक यार? जो अकेडमी का मैनेजमेंट था वो करने वाला था सेंड, बट अभी तक हुआ नहीं है। मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि अभी तक सेंड क्यों नहीं हुआ उनकी तरफ से, ठीक है। ये इशिता बुखारी आप यहाँ भी आ गई हो, चलो तुम थोड़ा सा डबल ईटी पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, सिंपथेटिक, सिंपथेटिक लिसनिंग क्या बोलती है? जब हम सामने वाले को सिंपथी देते हैं। अब देखो यार, दो चीजें होती है, एक होता है सिंपथी और एक होता है एम्पथी, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर मानसी है, मानसी पूछ रही दीदी कल से टाइम स्टार्ट होगा आपके, मेरी क्लास 5 to 6 ही रहती है, सिर्फ आज मैंने 4 बजे ली है, ठीक है। यस, सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर मानसी है, मानसी और अंजलि है। अभी के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मानकर चलते हैं कि अंजलि फेल हो गए, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। CSWT तो हम एग्जाम्पल में भी फेल नहीं होना चाहते, ठीक है। बट अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड की, तो समझ लो अंजलि फेल हो गई और मानसी पास हो गई। अंजलि और मानसी बहुत बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो मानसी ने बोला अंजलि को कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। बट डू यू थिंक दैट मानसी कैन फील व्हाट द अंजलि इज फीलिंग? नो, मानसी सिर्फ और सिर्फ अंजलि को सिंपथी दे सकती है, कोई बात नहीं यार चल कर, चल पार्टी करते हैं अपन तो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है सिंपथी लिसनिंग। सिंपथी लिसनिंग में आप बस सामने वाले को थोड़ा सराहना देते हो, आप उसको कंसोल करते हो, सिंपथी देते हो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, मैगी खाएगी, चॉकलेट खाएगी, पेस्ट्री खाएगी, ये जो होता है, ये होता है सिंपथेटिक लिसनिंग। जब सामने वाला अपनी दुखद कहानी सुनाते जाता है, आप सुनते जाते हो और उसको कंसोल करते हो। बट एक होता है एम्पथेटिक लिसनिंग। एम्पथेटिक मतलब एग्जैक्टली वही फील करना जो सामने वाला फील कर रहा है। अब अगर अंजलि और मानसी दोनों फेल हो गए, तो फिर मानसी एम्पथेटिक लिसनिंग कर पाएगी, क्यों? क्योंकि अब वो अंजलि को फील कर पा रही है व्हाट अंजलि इज फीलिंग। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। सो सिंपथेटिक लिसनिंग में वी केयर अबाउट द अदर पर्सन, बस उसके उसको केयर करते हैं उसके बारे में, ठीक है। वो गाना नहीं गा सकते तो सादी केयर नहीं करता, अभी मैंने अभी जस्ट गाना सुना था वाला, ठीक है। सो सिंपथेटिक लिसनिंग में आप जो एज ए लिसनर आप स्पीकर की केयर करते हो, और स्पीकर दुखी है तो आप उसको सुनते हो और उसको थोड़ा सा कंसोल करते हो, वो होता है सिंपथेटिक लिसनिंग। एम्पथेटिक लिसनिंग में यू गो बियॉन्ड सिंपथी एंड ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन और क्लोज अटेंशन लगेगा, आपको पूरा फोकस सामने वाले पर देना पड़ेगा, तो ही आप फील कर पाओगे। बहुत बार हम मूवी देखते हैं, एक तो रो नहीं देता है, क्यों रोते हैं? क्योंकि हम वही फील करते हैं जो वो एक्टर फील कर रहा है, क्योंकि हम पूरे अटेंशन से वो मूवी देख रहे हैं, और हम इतना अटेंशन से देखते हैं कि अगर हमें को रोते पकड़ भी ले तो भी हमें पता नहीं चलता है, फिर हमारा वीडियो बना लेते हैं मूवी देखते देखते और फिर वो सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पे। बट द पॉइंट इज कि एम्पथेटिक में यू गो बियॉन्ड सिंपथी, आप सामने वाले पर पूरा अटेंशन देते हो, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हो। डिस्क्रिमिनेट क्या, किस चीज में करते हो? बाकी सारी आवाजें अलग और स्पीकर की आवाज अलग, और मैं सिर्फ स्पीकर की बात सुन रहा हूँ, मैं बाकी कोई आवाज पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे फोन वाइब्रेट हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले के साथ एम्पथाइज कर रहा हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, ओके। तो आपको अगर सामने वाले की बात पूरी समझनी है, तो आपको उसको एम्पथी शो करनी पड़ेगी, इन ऑर्डर टू गेट अदर्स टू एक्सपोज दोस डीप पार्ट्स। अब हर कोई तो अपने मन की बात पूरी नहीं बता पाएगा, तो आप अगर चाहते हो कि कोई अपने मन की बात पूरी ऐसे बताए कि आप उसको फील कर सको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एम्पथी दिखानी पड़ेगी। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से, यस। बढ़ेंगे आगे, अब होता है थेरेपेटिक लिसनिंग। थेरेपेटिक लिसनिंग बेसिकली क्या होता है? यहां पर
बेसिकली स्पीकर के साथ, स्पीकर जो लिसनर जो है वो स्पीकर के साथ एक डीप कनेक्शन क्रिएट करता है पहले, ठीक है, वो आपको थेरेपी देने के लिए बैठा है। अब देखो थेरेपेटिक लिसनिंग में क्या होता है, आप हमेशा उस पर्सन के पास जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मूड खराब है, ठीक है, मूड क्यों खराब है, रिजल्ट नेगेटिव आया, फैकल्टी ने चिल्ला दिया, मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, कोई भी ऐसा रीजन है आपकी लाइफ में, कुछ सैड सैड पार्ट है, सैड सीन चल रहा है अभी लाइफ में, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जो आपको समझता तो है ही, साथ ही आपको कोई सुझाव भी देगा, साथ ही आपको कोई सजेशन भी देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का जैसे अटेम्प्ट आ रहा जून में, तो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं बस मैम आप मोटिवेट करो, हमको टेंशन हो रहा है। वो मुझसे क्या चाहते हैं, थेरेपी चाहते हैं कि मैं उनकी पूरी मन की बात समझूं और मैं उनको सजेस्ट करूं कि उन्हें कैसे पढ़ना है। सो दैट इज थेरेपेटिक लिसनिंग। तो सिंपथी, सिंपथी कब होता है, जब आप सामने वाले को बोलते हैं कोई बात नहीं मैं तुम्हें समझता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, बस आप छोटा मोटा कंसोल करते हो, छोटा मोटा आप उसको सिंपथाइज करते हो। एम्पथी में आप बिल्कुल वो फील करते हो जो सामने वाला फील कर रहा है, उसके लिए यू नीड गुड डीप कनेक्शन। और थेरेपेटिक में आप उसको सजेशन भी देते हो कि उसे क्या करना सही रहेगा। थेरेपेटिक लिसनिंग में बहुत बार कोई ना कोई डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, या फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही इतने अच्छे होते हैं कि हम उनके पास ही जाकर थेरेपी लेकर और हमारा मूड ठीक कर लेते हैं। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस। सो दिस ओनली हैपेंस व्हेन यू गो टू सी, दिस नॉट ओनली हैपेंस, ये सिर्फ तब नहीं होता जब आप कोई थेरेपिस्ट के पास जाते हो, ये सोशल सिचुएशन में भी होता है, जब आपके कभी कभी फादर या मम्मी पापा, पेरेंट्स ही आपकी थेरेपी कर देते हैं, वो ही आपको कोई अच्छे अच्छे सजेशन दे देते हैं, आपके भाई बहन दे देते हैं, आपके दोस्त दे देते हैं। तो यू डोंट नीड टू सी अ थेरेपिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलरली, यू कैन जस्ट टॉक टू एनी पर्सन हु यू कैन थिंक कैन हेल्प यू आउट कम आउट ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो आप उसके पास जा सकते हैं। क्लियर है बहुत अच्छे से? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिल कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब गुड जॉब। चलो नेक्स्ट इज डायलॉगिक लिसनिंग। अब डायलॉगिक लिसनिंग, पहले आप डायलॉग वर्ड सुनो कहां से आया है। डायलॉग वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें डाई का मतलब होता है थ्रू और लोगोस का मतलब होता है वर्ड्स। तो डायलॉग का मतलब होता है थ्रू वर्ड्स, डाई का मतलब थ्रू और लोगोस का मतलब होता है वर्ड्स, तो थ्रू वर्ड्स, तो डायलॉग मीन्स थ्रू वर्ड्स। अब बहुत बार आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनसे आप बात करके कुछ ना कुछ सीख जाते हो, मतलब आप उनके थेरेपी के लिए नहीं गए थे, आप कोई दुखद कहानी सुनाने नहीं गए थे, ऐसे कोई रैंडम अंकल आंटी, फैकल्टी, टीचर, लीडर, सीनियर, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आप बात करके हमेशा कुछ ना कुछ सीख जाते हो, ठीक है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन किया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की, एंड देन यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, तो वो कौन सी लिसनिंग हो जाएगी, डायलॉगिक लिसनिंग हो जाएगी। उसका एक और नाम क्या है, रिलेशनल लिसनिंग। सो डायलॉगिक लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कॉन्वर्सेशन एंड एन एंगेज इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन आइडिया को प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज करते हो, मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन रखते हो और आप उससे कुछ सीखते हो, तो वो क्या हो गया, डायलॉगिक लिसनिंग। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज रिलेशनशिप लिसनिंग। यार मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो रात में उनके बाबू का फोन आता है, बाबू बेबी व्हाटएवर फोन आता है, और घंटों तक एक ही बात पे बात कर सकते हैं, एक ही चीज पर बात कर सकते हैं कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने दवाई ली कि नहीं, तुम्हारा दिन कैसा रहा, और बताओ और क्या, और बताओ और क्या, घंटों निकाल सकते हैं, घंटों क्यों निकाल सकते हैं, ऐसे इतनी बात और क्या और बताओ वाली बात तुम अपने दोस्त से करने को बोलो, बोलेंगे चल यार पका मत फोन रख, मम्मी पापा से करने को बोलो अरे मम्मी यार रहने दो यार अभी पकाओ मत, हम क्यों करते हैं, पर हम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से घंटों बात कर सकते हैं सेम टॉपिक पर। आ रही मेरी बात समझ में बहुत अच्छे से? तो ये जो होता है ये क्यों होता है, बिकॉज वी लाइक टू टॉक टू द पर्सन, हमें बस उनकी आवाज सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। सो sometimes the most important factor in listening in order to develop a sustained relationship, this is why lovers talk for hours and attend closely to what each other has to say. बकर ही कर रहे हैं भले ही दोनों, बकवास कर रहे हैं पर फिर भी दोनों आपस में एक दूसरे की बात सुनते ही रहेंगे सुनते ही रहेंगे, तो वो क्या होता है, रिलेशनशिप लिसनिंग होता है। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, ठीक है। कभी कभी रिलेशनशिप लिसनिंग जो है वो और भी जगह ऑफिस में भी काम आती है, जब आपको किसी को कन्विंस करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई
जैसे मुझे कोई सेल्स मैनेजर पसंद है, पसंद मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं, पसंद वाला पसंद नहीं, ठीक है। अगर वो कोई अच्छे प्रोडक्ट बेचता है, कोई दुकानदार अच्छे प्रोडक्ट बेचता है और उसे पता है कि मुझे उसके प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, तो ऐसे केस में वो मुझे, वो मेरे साथ एक एक रिलेशन क्रिएट कर चुका है और अब मैं उसके पास जब जाऊंगी तो वो मुझे बहुत आराम से सक्सेसफुली प्रोडक्ट बेच पाएगा। सो दैट हैपेंस व्हाई, बिकॉज आई ट्रस्ट दैट सेल्स पर्सन, आई ट्रस्ट दैट शॉप का ओनर और मैं उसकी जगह से प्रोडक्ट खरीदूंगी। तो दैट इज व्हाट रिलेशनशिप ट्रस्ट है। इसमें ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से यस। अरे बहुत दोस्त है भाई। श्रद्धा मैम पहचाना क्या है, भूल गए? श्रद्धा मेरी जान, एक थप्पड़ पड़ेगा, फटाफट से दफा और पढ़ाई कर, जाकर एग्जाम है अभी। पहचाना? सिलेक्टिव लिस्टिंग। सिलेक्टिव लिस्टिंग क्या होती है, देखो अगर आपको याद हो हमने बायस लिस्टिंग में क्या पढ़ा था, बायस लिस्टिंग में हमने पढ़ा था हम वही सुनते जो हम सुनना चाहते हैं। सिलेक्टिव लिस्टिंग हम आती बात सुन के निकल लेते हैं, ठीक है। मैं उतर रही थी घर से, ठीक है, बिल्कुल अपना घर का दरवाजा खुला, मतलब मम्मी मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मतलब अच्छा अच्छा सुन, रास्ते में से ना आते आते दूध लेके आना, मतलब ठीक है। फिर मैं बाहर निकली, मैंने गाड़ी चालू की, अब गाड़ी की जो आवाज थी चालू करने की उतने मम्मी ने बोल दिया, सो मैं सुन पनीर भी लेकर आना, पर आधी बात तो सुनी नहीं। अब मैं दुकान पर गई, मैंने दूध लिया, पनीर नहीं लिया, मम्मी ने बोला बेटा तुमको पनीर भी लाने बोला था, तो ये क्या हो गया, आधी बात सुनी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से यस। तो बायस्ड में तो फिर भी ऐसा है कि आप अपने मन से बायस्ड हो जाते हो, इंटरप्रेट कर लेते हो कि सामने वाले ने बोला होगा। सिलेक्टिव तो और ही घटिया है। सिलेक्टिव में तो आप आधी बात सुनकर उस पर एक्शन ले लेते हो, उस पर एक्टिविटी कर लेते हो, तो वो हो जाएगा क्या, सिलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। सिलेक्टिव में आप आधी बात सुनते हो, आधी बात अवॉइड कर देते हो, उसके बीच उस आधी बात को आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो, उस आधी बात पर आप एक्शन ले लेते हो, तो ये बहुत ही बेकार चीज होती है। सो सिलेक्टिव लिसनिंग इज अ साइन ऑफ फेलिंग कम्युनिकेशन। यू कैन नॉट होप टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव फिल्टर्ड आउट सम मैसेज। थोड़ा सा मैसेज आपने गायब कर दिया, थोड़ा ही मैसेज सुना है, तो आप कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। क्लियर है सबको? मैम बाय बाय जाते हैं, सॉन्ग के टाइम आती हूँ लास्ट में। श्रद्धा यार मत कर यार ऐसा यार। चलो एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग, 12th टाइप की लिसनिंग क्या हो गई, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग, एंड दैट इज व्हाट, जिसमें आप सब चीजें अच्छे से सुनते हो, एक्टिवली सुनते हो। एक्टिवली मतलब पूरी बात अच्छे से सुनना, डाउट्स पूछना, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों पर ध्यान देना। स्पीकर के वर्बल मतलब शब्दों पर तो ध्यान देना ही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना, डाउट्स पूछना, वो पूछे कि अरे समझ आया क्या, अरे बोलो हाँ ना, तो आप हाँ या ना में जवाब देते हो, आई कॉन्टैक्ट रखना। तो ये सारी चीजें हम किस में रखते हैं, एक्टिव लिसनिंग में रखते हैं। किस में रखते हैं, एक्टिव लिसनिंग में। इफेक्टिव लिसनिंग भी एक्टिव जैसे ही होता है, जिसमें आप पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो, किसमें, इफेक्टिव लिसनिंग में। तो एक्टिव एंड इफेक्टिव करीब करीब सेम ही होता है, उनमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं बाद में बताऊंगी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से यस, ठीक है। अ पर्सन मे बी मेंटली प्रेजेंट बट देन इमोशनली डिस्टर्ब बाय समथिंग एल्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर कोई पर्सन है, जैसे बहुत बार नहीं होता है क्लास में, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप लोग लेक्चर में बैठे हो, ठीक है, पर आपका ध्यान कहीं और है, ख्यालों में, किसी और के ख्यालों में आप लोगों का ध्यान है ऑलरेडी, तो आप फिजिकली तो फैकल्टी के साथ आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करते हो कि हाँ मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। आप कंटिन्यूसली एक ब्लैंक स्टेयर देते हो फैकल्टी को, बट आपका ध्यान कहीं और है, आपकी इमेजिनेशन में आप शाहरुख खान के घर पर जाकर लंच करके आ रहे हो, तो आपका इमेजिनेशन कुछ और ही बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनइफेक्टिव लिसनिंग हो जाती है। कौन सी लिसनिंग हो जाती है, इनइफेक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव एंड इफेक्टिव क्या होता है, जिसमें आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से प्रेजेंट रहते हो, आप कंप्लीटली इन्वॉल्व रहते हो, आप डाउट्स पूछते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप सामने वाले को फीडबैक देते हो, आप सब करते हो जो एक स्पीकर चाहता है। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से यस, ओके, डन, ठीक है। डूब जाना पूरा। आदित्य सर के लेक्चर्स क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज देर आर सर्टेन इश्यूज जिससे वो अभी कुछ डील कर रहे हैं, ठीक है। उनका लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, मोस्ट लाइकली मंडे से,
ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी हो जाएगा, तो आप लोग वेट करो, आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। क्लियर है? 12 टाइप की लिसनिंग क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, आपके साथ क्या हुआ रेणुका? चलो नाउ लास्ट इज टाइप्स ऑफ लिसनर्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज टाइप्स ऑफ लिसनर्स। देखो भाई, पांच तरह के लिसनर्स होते हैं। अब हमने लिसनिंग स्किल्स देख ली, लिसनिंग स्किल्स जो है वो एक टाइम पर एक इंसान में मल्टीपल टाइप के लिसनिंग स्किल्स हो सकती है, ठीक है। वो मैं एक टाइम पर सिंपथी भी दे दू और जज भी कर लू, मैं एक टाइम पर बायस लिसनिंग भी कर लू और एक्टिव लिसनिंग भी कर लू, तो एक टाइम पर मल्टीपल स्किल्स आप परफॉर्म कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ लिसनर्स, तो एक इंसान एक टाइम पर एक ही लिसनर रहेगा। मैं एक टाइम पर या तो एक्टिव रह सकती हूँ, या पैसिव रह सकती हूँ, या नॉन लिसनर रह सकती हूँ, मार्जिन रह सकती हूँ, इवैल्यूएटिव रह सकती हूँ। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, ओके, ऑलराइट। चलो, एक्टिव लिसनर कौन होता है? वो एक्टिव लिसनिंग जैसे एक्टिव लिसनर होता है जो आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व कर लेता है खुद को, ठीक है। वो मैसेज को ही नहीं सुनता है, वो द वे इट हैज बीन डिलीवर्ड पर भी सुनता है। मतलब मैसेज को सुनना मतलब वर्बल, मैसेज को सुनना मतलब वर्बल, और द वे इट इज डिलीवर्ड को ध्यान रखना मतलब नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पर ध्यान देता है, ठीक है। मतलब ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों पर ध्यान देगा, ये क्लैरिफिकेशन भी पूछेगा, डाउट्स भी पूछेगा, क्वेश्चंस भी पूछेगा, और अपना अप्रूवल भी देगा बाय नॉडिंग ऑफ हेड कि हाँ मुझे समझ में आया, ठीक है। वो पूरी तरीके से ये बताता है कि स्पीकर सर मैं आपको पूरा फॉलो कर रहा हूं, तो वो कौन सा हो गया? एक्टिव लिसनर, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो पहले तीन तीन लोग बैठते हैं ना स्टार्टिंग फर्स्ट बेंच पे, वो कौन सा होता है? एक्टिव लिसनर। पैसिव लिसनर इज जस्ट लाइक हियरिंग, हियरिंग याद है, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, वो होता है पैसिव लिसनर्स। मतलब कौन? सिर्फ पार्शियल मैसेज पर ध्यान देना, सिर्फ वर्बल मैसेज पर ध्यान देना, वर्बल पार्ट पर ध्यान देना, और नॉन वर्बल को पूरा अवॉइड कर देना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा पैसिव लिसनर्स। मतलब पैसिव लिसनर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स पर ध्यान दे रहे हैं, वो भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और नॉन वर्बल को तो पूरा ही अवॉइड करना है। वो ना क्वेश्चंस पूछेंगे, ना डाउट्स पूछेंगे। अगर स्पीकर ने पूछा अरे तुम्हें समझ में आया क्या, तो वो जवाब भी नहीं देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो वो कौन हो गया? पैसिव लिसनर। वो ना कोई नोट्स बनाते हैं, ना हाँ या ना में जवाब देते हैं, ना वो आई कॉन्टैक्ट रखते हैं, वो सिर्फ हियरिंग करते हैं। वो अगर सुन भी रहे तो सोचो कि उन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि उनका सुनना कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? नाउ नेक्स्ट इज नॉन लिसनर्स। नॉन लिसनर्स कौन होते हैं? नॉन लिसनर्स वो होते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, नॉन लिसनर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं सुनते हैं स्पीकर को क्योंकि वो टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता है। आ रही मेरी बात समझ में बहुत अच्छे से? जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइज आपकी मॉड्यूल में फर्स्ट पेज पर क्या लिखा है, आपको याद नहीं रहेगा। आपने 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 क्या पढ़ा था, आपको याद नहीं रहेगा, पर आपको बाजीराव मस्तानी की कहानी हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। शाहरुख खान का गाना आपको याद रहेगा, आपकी बुक का पूरा नाम आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो।
तो नॉन लिसनर्स कौन होते हैं, वो टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं इसलिए वो सुनते नहीं है, वो प्रिटेंड करते हैं, वो ऐसे ब्लैंक स्टेयर देते हैं, जो बच्चे नहीं करते क्लास में फैकल्टी के साथ एकदम ऐसे देखते रहना देखते रहना देखते रहना, पर उनका ध्यान कहीं और ही है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो प्रिटेंड करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, पर वो नहीं सुनते हैं। और ये बात है कि वो ब्लैंक स्टेयर दिखाएंगे, नर्वसनेस दिखाएंगे, अजीब सी हरकतें करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रिटेंड करना है कि हम सुन रहे हैं, बट वो एक्चुअल में नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो नॉन लिसनर्स अमंग ऑथोरिटी फिगर्स विल हु विल डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग एंड विल नॉट लेट द सबॉर्डिनेट एक्सप्रेस देयर आइडियाज। तो कंपनी में जनरली वो सुपीरियर्स नॉन लिसनर्स होते हैं जो सुनते किसी की भी नहीं है, जिनको किसी की सुनना पसंद नहीं, जो किसी के ओपिनियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई अपना ओपिनियन रखे तो उसकी बात वो नहीं सुनते हैं। क्लियर है सबको? कभी कभी वो स्पीकर को रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, यस आई अग्री आई अंडरस्टैंड, बट वो सुनते नहीं है। क्लियर है? तो वो कौन से हो गए? मार्जिनल, सॉरी नॉन लिसनर्स। मार्जिनल लिसनर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ मेन टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ लोग नहीं होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ काम काम की बात कर बाकी सब आगे बढ़ाओ, और जैसे आपकी काम की बात आई वैसे आपने बस अब स्पीकर को बोल दिया चल अब कंक्लूड कर ले। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, और मुझे बस ये जानना है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ट्रक कितनी स्पीड पर थी, तो जैसे स्पीकर ने ट्रक की स्पीड बताई मैंने फटाफट से स्पीकर को बोला चल अब ठीक है कंक्लूड कर दे। तो वो कौन होते हैं? मार्जिनल लिसनर, सबसे बेकार लोग होते हैं ये। जब तक उनका मेन टॉपिक नहीं आता ना तब तक इधर 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 से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और जैसे उनका मेन टॉपिक निकल गया हो सकता है वो वहां से उठ के चले जाए, हो सकता है वो स्पीकर को बोल दे कि खत्म कर दो, हो सकता है वो स्पीकर की बेइज्जती कर दे कि चलो फिनिश करो। तो ये कौन से होते हैं? मार्जिनल लिसनर्स। दे मेयरली हियर द साउंड ऑफ वर्ड्स बट फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मतलब वो सिर्फ वर्ड्स का साउंड सुनते हैं, उसका मीनिंग भी नहीं जानते हैं। वो एक्सटर्नली डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, इधर उधर उनका ध्यान रहता है, इधर उधर वो नजर लगाते रहते हैं। कब तक? जब तक उनका मेन टॉपिक ना आ जाए, और जैसे ही मेन टॉपिक आ गया वैसे ही वो दे विल जंप टू फाइंड एग्जाम कंक्लूजन, मतलब वो कंक्लूजन पर कूदने की बात करेंगे। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से, यस। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मेन आइडिया से मतलब है, इधर उधर की बातें जो कर रहा है कौन स्पीकर, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सबको? नॉन लिसनर तो पूरी बात ही सुनता है क्योंकि वो पूरे टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, और मार्जिनल लिसनर आधे टॉपिक में इंटरेस्टेड तो सिर्फ आधी बात सुनता है। क्लियर है? इवैल्यूएटिव लिसनर कौन होता है? इवैल्यूएटिव लिसनर जो सिर्फ आपको जज करने के लिए बैठा है, वो आपने किस इमोशंस के साथ बोला, क्या फीलिंग के साथ बोला, उससे कोई मतलब नहीं। वो ना आपको सिंपथी देगा ना एम्पथी देगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो आपके साथ सेंसिटिव नहीं होगा। वो आपको सिर्फ आपके वर्बल कंटेंट पर जज करने बैठा है, जो वर्ड्स आप यूज करोगे ना उस पर जज करने बैठा है। सो दे लिटरली असेस द वर्बल कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। वो ना कोई एम्पथी दिखाते हैं, ना कोई सेंसिटिविटी, ना कोई सिंपथी, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जज करने बैठे हैं। आ रही मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। तो पांचों टाइप के लिसनर्स क्लियर है सबको? एक्टिव लिसनर कौन होता है? जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है मैसेज में, रिप्लाई करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, सब करेगा, वर्बल नॉन वर्बल दोनों पर ध्यान देगा। दूसरा होता है पैसिव लिसनर, जो नॉन वर्बल पर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ एक्टिव पर देता है, उसको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो ज्यादा वो सिर्फ हियरिंग करता है, आधी बात सुनेगा आधी बात नहीं सुनेगा, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। नॉन लिसनर कौन होंगे? जो टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो सिर्फ ऐसे एक्ट करेंगे, प्रिटेंड करेंगे वो सुन रहे, बट वो नहीं सुनते हैं। मार्जिनल लिसनर सिर्फ मेन टॉपिक में इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे ही मेन टॉपिक आया वो सीधे स्पीकर की बेइज्जती करके बोलते थे चलो अब कंक्लूड कर ले, चलो अब कंक्लूजन पर आ जा, और जब तक मेन टॉपिक नहीं आता है तब तक भी वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तब तक वो इधर उधर देखते हैं। एंड लास्ट में इवैल्यूएटिव लिसनर्स, जो आपको जज करने के लिए बैठे हैं, जो सिर्फ आपकी वर्बल कंटेंट पर ध्यान देंगे, जो आप वर्ड यूज करो उस पर ध्यान देंगे, आप कैसे बोल रहे हो, किस इमोशंस के साथ बोल रहे हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, कोई समस्या किसी को भी? डन, ऑल राइट गाइस। तो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ लिसनर्स एंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स खत्म होते हैं। अब हमारे सिर्फ बैरियर्स और प्रिंसिपल्स बचे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, डन, ऑल राइट गाइस।
एक्टिव एंड इफेक्टिव में एक डिफरेंस है, वो अभी आगे आएगा प्रिंसिपल्स के केस में, तो वो मैं बाद में बताऊंगी. ओके okay, उसका एक अलग से पूरा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्टिव एंड इफेक्टिव का डिफरेंस. क्लियर है? डन. चलो अब सॉन्ग हम कल करेंगे आपके प्यार ऐसे. करंट सर का आ रहा है लेक्चर, डोंट गो एनीवेयर, राइट अवे ही स्टार्टिंग. ओके ही स्टार्टिंग राइट अवे. तो हम लोग कल करेंगे आपका आगे का पूरा कंटिन्यू. आई ट्राई एंड फिनिश दिस चैप्टर टुमारो इटसेल्फ, इफ नॉट टुमारो देन ऑन मंडे वी विल फिनिश दिस ऑफ. ओके ऑलराइट. सो करण सर आ रहे हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे.